NSUI हिमाचल प्रदेश राज्य इकाई द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब व जरूरतमंद छात्रों के उत्थान व प्रोत्साहन के लिए राजीव गांधी शिक्षा स्कॉलरशिप लॉन्च की गई। शिमला राजीव भवन में स्थित NSUI स्टेट ऑफिस में प्रदेशाध्यक्ष छत्तीस सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष छत्तीस ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में नए सत्र के लिए ऑनलाइन दाखिले शुरू हो चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण जनता पहले ही आर्थिक बोझ से जूझ रही थी, ऐसे में NSUI ने इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रदेश के गरीब अथवा कम आय वाले परिवारों के छात्रों को शहीदों के बच्चों की शिक्षा के खर्च का जिम्मा उठाया है। ये योजना विशेष तौर पर वीर शहीदों के बच्चों और उन जरूरतमंद छात्रों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे या कम आय वाले घरों से संबंध रखते हैं और इस बार स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज प्रथम वर्ष में दाखिल ले रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत चयनित छात्रों को उनके द्वारा दी गई कॉलेज एडमिशन फीस की राशि की प्रतिपूर्ति NSUI द्वारा की जाएगी। में हम आज NSUI द्वारा पूरे प्रदेश में एक मेंबरशिप लॉन्च की जा रही है, इसका नाम है राजीव गांधी शिक्षा स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के तहत हम प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में मिनिमम एक छात्र को हम फ्री एजुकेशन देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वैश्विक महामारी में लोगों के रोजगार चले गए हैं, काम धंधे खत्म हो गए हैं। इस कड़ी में लोगों की सहायता के लिए NSUI ने एक अभियान चलाया है। इस स्कॉलरशिप के तहत हर प्रदेश के हर कॉलेज के मिनिमम एक बच्चे को हम फ्री एजुकेशन देंगे। इस एजुकेशन के तहत, इस स्कॉलरशिप के तहत हम बच्चों को एडमिशन फीस देंगे और जो मेन क्राइटेरिया होगा एजुकेशन स्कॉलरशिप का, वो क्राइटेरिया हम मेन रखेंगे कि शहीदों के परिवार को प्रेफरेंस दी जाएगी और इसके साथ साथ जो सबसे लो इनकम वाले होंगे, BPL वाले होंगे, उनको इन केस अगर इसमें भी कोई टाई होता है, कोई ऐसे छात्र जो सेम क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो उसमें हम +2 की जो हाई परसेंटेज होगी उसको स्कॉलरशिप देगी। इसके साथ साथ यदि वो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इसके साथ साथ हम उसको एडिशनल भी आगे प्रमोट करते रहेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।